सुल्तानगंज में लाखों रुपए की चोरी, बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए लेकर चोर हुए फरार। घटना की छानबीन में जुटी है पुलिस। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 6 दिन पूर्व बंटी खान के घर में चोरी का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले को लेकर जीनत प्रवीण ने बताया है कि 5 अक्टूबर की देर रात 8 बजे के लगभग मेरे घर पर आलोक कुमार चौधरी, शिवम चौधरी, कौशल चौधरी हथियारों के साथ आते हैं और मेरे बंद घर का ताला तोड़कर 50 लाख रुपए के जेवरात, बर्तन, कपड़ा सहित अन्य सामान को चोरी कर ले जाते। और इस घटना को लेकर हमारे भाई बंटी खान ने लिखित आवेदन सुल्तानगंज थाना में 6 अक्टूबर को दर्ज किया था, पर कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। जिसके बाद 9 अक्टूबर को सुल्तानगंज थाना में सूचना देने पर थाना अध्यक्ष प्रियंजन के द्वारा 10 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बंद घर की जाँच पड़ताल की गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। घटना की सारी जानकारी महेश दास ने दूरभाष पर भागलपुर ASP DSP और पटना DGP को दी। बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार को उचित कानूनी कार्रवाई होने का आश्वासन दिया गया। वहीं इस घटना से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हुआ सर, किनका घर है ये? मेरा घर है, बीबी नसीमा खातून का घर है सर। मेरी माँ के नाम से है सर। हम लोग 50 साल से रह रहे हैं सर। क्या हुआ आपके घर में? मेरे घर में डकैती हो गया 5 तारीख को सर। हम लोग दिल्ली में थे, मम्मी को ले गए थे इलाज कराने के लिए। वहाँ से आए तो वहाँ खबर मिला, आलोक चौधरी फोन करके धमकी दे रहा था, तुम्हारे घर में सब चीज बर्बाद कर दिए, कोई आएगा तो मर्डर कर देंगे। हम लोग को बर्बाद कर दिया सर, आलोक चौधरी कहीं का नहीं छोड़ा। क्या क्या लूटा? उसके लिए कानूनी कार्रवाई करे सर। क्या क्या हुआ है? मेरे घर में सारा गहना जेवर पीतल का सामान सारा लूट लिया, जो नहीं ले जा सका फालतू सामान को चूर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा सर। कितना का सामान लूटा है? मेरा 50 लाख का सामान चोरी कर लिया सर। कौन लोग? आलोक चौधरी का, आलोक चौधरी करवाया सर, आलोक चौधरी किया सर। कहाँ का रहने वाला? पूर्णिया का रहने वाला आलोक चौधरी। इंसाफ दिला दो सर, मर जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, रोड पे आ गए हम लोग। थाने में दिए हैं आवेदन? थाने में दिए हैं। कब दिए हैं? थाने में दिए 6 तारीख को दिलवाए हैं। हम भी अपने से कल भी गए थे सर, कोई कार्रवाई अभी भी पुलिस आई, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही सर। अच्छा अच्छा, होगी प्लीज सर, हमको इंसाफ दिलाइए। कौन दिया आवेदन? आवेदन हम दिए ले जाके, 6 तारीख को मेरी नना दी थी ले जाके। आवेदन कौन दिया थाना में? थाना में हम बंटी खान दिए हैं। बंटी कौन है? मेरा भाई है बंटी खान। वही दिया आवेदन? हाँ, आवेदन वही दिया है। अच्छा अच्छा, तो आपके ये कौन सा जगह है? ये सुल्तानगंज महाजन टोला है। यही घटना घटी? हाँ, यही पे घटना घटा है सर। जो आप आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग किया है? वो आलोक चौधरी किया है सर। और कोई है उसके साथ? और कौन है उसके बारे में नहीं पता सर, आलोक चौधरी करवाया है सर। उसका कॉल आता था हम लोगों के पास, धमकी दे रहा है सर। तो वही लोग करवाया है? वही लोग करवाया है सर। सर हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम जीनत परवीन है सर। हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, मेरा सर्टिफिकेट हम बचपन से यहाँ रहे, पढ़ाई की है सर। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णा नगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपर क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थ्रोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णा नगर, मथुरा।